Hotel The Crown Palace, luxurious cozy rooms and suites for comfortable stay. Jeevan K and Mol va Yadgar Palo, shaadi samaro va paatiyon ko khas banane ke liye vishal lawn. मध्य प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अभी भी पटरी नहीं बैठ पा रही है। इसके चलते संगठन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखा जाए तो कांग्रेस के भीतर फिर गुटबाजी हावी है। लगता है कि धीरे धीरे सिंधिया और कमलनाथ के बीच कुछ मतभेद बढ़ चले हैं। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री कमलनाथ के तेवरों से बवाल खड़ा होने के आसार बन गए हैं। लगता है कि कमलनाथ के इस बयान से सिंधिया गुट में तनातनी बढ़ने के आसार हैं। बीते दो दिन पहले ही टीकमगढ़ में एक सभा के दौरान सिंधिया ने अतिथि शिक्षकों से कहा था कि हमारी सरकार यदि वचन पत्र में दिए वचनों को पूरा नहीं करेगी तो वो भी अतिथि शिक्षकों के साथ सड़क पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि आपकी मांग मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ कि आपकी मांग जो हमारी सरकार के घोषणा पत्र में अंकित है वो घोषणा पत्र हमारे लिए हमारा ग्रंथ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अतिथि शिक्षकों को सब्र रखने की सलाह देते हुए कहा कि अगर उस घोषणा पत्र का एक एक अंश पूरा नहीं हुआ तो अपने आप को सड़क पर अकेला मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। सरकार अभी बनी है, एक साल हुआ है, थोड़ा सब्र हमारे शिक्षकों को रखना होगा, बारी हमारी आएगी, ये विश्वास आपको दिलाता हूँ। और अगर बारी ना आए तो चिंता मत करो, आपकी ढाल भी मैं बनूंगा और आपकी तलवार भी मैं बनूंगा। मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेंगे। वहीं जब शनिवार को भोपाल में पत्रकारों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से इस पर प्रतिक्रिया लेनी चाही तो सीएम कमलनाथ ने गुस्से में दो टूक जवाब देते हुए कहा कि तो वो उतर जाएं। उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे, किस तरीके से तो उधर जाएं। 15 सालों के लंबे वनवास के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की वापसी बमुश्किल हो पाई है। वहीं कांग्रेस को चुनाव में पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला है। सपा, बसपा और निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनी है। वहीं वरिष्ठ नेता कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। इसके बाद से ही कमलनाथ और सिंधिया दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर तनातनी शुरू हो गई है। देखा जाए तो इसके पहले भी सिंधिया कई बार अपने बागी तेवर दिखा चुके हैं। मुद्दा कर्ज माफी का हो या बाढ़ राहत सर्वे और उसकी राशि मिलने में हो रही देरी का हो, सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए। विधानसभा चुनाव में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धुआंधार प्रचार किया तब ऐसा माना जा रहा था कि सरकार बनने पर कांग्रेस सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब से ही ऐसा कहा जा रहा है कि सिंधिया कांग्रेस में अपनी अनदेखी से नाराज हैं। कुछ महीनों पहले उन्होंने अपने ट्विटर में कांग्रेस शब्द से ही दूरियां बना ली थी। ऐसा कहा जा रहा था कि जल्द ही उनका पार्टी से भी नाता टूट सकता है, लेकिन मामला ठंडा हो गया। अब एक बार फिर दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें तेज हो गई हैं। Hotel The Crown Palace, luxurious cozy rooms and suites for comfortable stay. Jeevan K and Mol va Yadgar Palo, shaadi samaro va paatiyon ko khas banane ke liye vishal lawn evam indoor banquet halls. Manmohak saaz sajja ke saath hassle free parking area. Swadisht khane ka zaika lijiye hamare pure veg family restaurant mein. Saath hi chaupati mein chatkare lijiye street style food ke. Crown Fitness Gym, fully air conditioned gym for boys and girls. Advanced fitness equipment. Certified personal trainers, steam bath, ultra hygiene changing rooms with locker facility. Hotel Crown Palace, Macaronia Road, Sagar.